गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफिक डिजाइन के अंदर आपका जो लास्ट कंटेंट है 3.1 उसके अंदर नंबर 10 पर जो टॉपिक है कैलेंडर, उस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो ये जानना होगा कि कैलेंडर क्या है, कैलेंडर कितने तरह के कैलेंडर होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जितनी भी कंपनियां कैलेंडर बनाती है वो अक्सर दो तरह के कैलेंडर बनाती है। एक कैलेंडर होता है टेबल कैलेंडर और दूसरा कैलेंडर होता है वॉल कैलेंडर। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने कैलेंडर को बराबर देखा होगा, क्योंकि कैलेंडर एक ऐसा डिजाइन का पार्ट है जो हमारे हर परिवार से, हमारे घर से सबसे जुड़ा हुआ है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट कैलेंडर का आपको जानना अवश्य होगा कि डिजाइनिंग क्षेत्र में कैलेंडर की क्या भूमिका है, या कहें कि विज्ञापन की दुनिया में कैलेंडर की क्या भूमिका है। देखिए, जब भी कैलेंडर कोई भी कंपनी हमसे बनवाती है तो उसका बेसिक थीम होता है टारगेट ऑफ ऑडियंस। वो उस कैलेंडर से समय सारणी के साथ साथ, डेट और तारीख के साथ साथ, उसका मेन जो टारगेट होता है वो होता है उसका अपना प्रोडक्ट, या कहेंगे उसका अपना एक मिशन। जैसे मिशन के कहेंगे, जैसे LIC ऑफ इंडिया का यदि वो कैलेंडर बनवाना चाहते हैं तो उसका अपना अपना मिशन होता है। लाइफ इंश्योरेंस, हर आदमी उससे इंश्योरेंस करे, तो इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए वो कैलेंडर को डिजाइन कराता है। और कैलेंडर आपको देखोगा कि ज़्यादातर LIC के कैलेंडर हैं जो वॉल कैलेंडर होते हैं, और उसको हम हमारी दीवार पर लगा देते हैं। बहुत उसके अंदर जो जिसका फोटोग्राफ उसमें क्लिक करके लगाया जाता है वो तो बड़ा होता है और विज्ञापन कम जगह होता है। वो इसलिए कि वो कैलेंडर उसका साइज बिग होता है, तो उसका एक पार्ट भी रहता है कि जिस घर में, जिस रूम में वो लगाया जाता है वो ब्यूटिफिकेशन का भी वर्क करता है। नंबर कुछ कंपनीज हैं, कुछ इंडस्ट्रीज हैं, वो अपना कैलेंडर टेबल कैलेंडर बनाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसके प्रोडक्ट क्या है। यदि उनका प्रोडक्ट ऑफिशियली है तो वो निश्चित रूप से, ऑफिशियली का मतलब ये है कि जैसे वो कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जैसे फर्नीचर्स हो गया है, टेबल्स हो गई है, अलमारीज हो गई है, फैंस हो गई हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए हैं, तो इन तरह की जो कंपनीज होती हैं, इन तरह की प्रोडक्शन वाली जो कंपनी होती है वो टेबल कैलेंडर बनाती है, क्योंकि वो एक टेबल से दूसरे टेबल पर लगाए जाते हैं, ऑफिसर्स रैंक्स के पास जाते हैं। विज्ञापन के साथ साथ वो उन कैलेंडर से अपना जो दैनिक रूटीन वर्क है उसको भी नोट करते जाते हैं, और जब उसको नोट करते रहते हैं तो निश्चित तौर पे वो उसके अंदर दिए हुए विज्ञापन से आकर्षित भी होते हैं, प्रभावित भी होते हैं और उसके अंदर जाते हैं। मैं आपको छोटे से छोटे सैंपल्स आपको दिखाना चाहता हूँ जो कैलेंडर आजकल बन गए हैं। जैसे ये एक कैलेंडर, ठीक है, इसे बोलते हैं टेबल कैलेंडर। अब इस कैलेंडर को इन्होंने 6 पीसेज में, 6 लीक में बनाया है, तो ये पलटने के बाद एक के बाद एक मंथ आता है। अब ये राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया कैलेंडर है, इसे बोलते हैं टेबल कैलेंडर। इसमें राजस्थान सरकार अपना प्रचार भी कर रही है। अब आप कहेंगे प्रचार कर रही, देखिए इसके नीचे राजस्थान सरकार ने कर्णेश्वर धाम, मतलब जो ऐसी जगह राजस्थान के अंदर जो हमें टूरिज्म के क्षेत्र में आती है उसको उसने बढ़ावा दे करके और इसके अंदर डिजाइन करके और अपनी सरकार का प्रचार प्रसार किया, ये हो गया टेबल कैलेंडर। इसी तरह से अगर हम प्राइवेट दुनिया में जाते हैं तो जैसे ये ज्वेलरी का आपका कैलेंडर है, इसे वॉल कैलेंडर बोलते हैं, ये इस तरह के ज्वेलरी के कैलेंडर बनते हैं, ठीक है। जैसे एक दूसरा कैलेंडर है प्राइवेट लाइफ में, ये एयर इंडिया का है, ठीक है, अलग अलग एयरलाइन, चाहे एयर इंडिया कैलेंडर हो, चाहे और कोई नेपाली कैलेंडर हो, जितनी भी एयरलाइंस वर्ल्ड में होती है वो अपने अपने कैलेंडर्स बनाती है, और इस कैलेंडर्स में उस कंपनी का भी प्रचार होता है साथ में। जैसे कैलेंडर्स करके है ये कंपनी, ठीक है, इसने ये कैलेंडर बनाया है, एयर इंडिया कैलेंडर, एयर इंडिया का लोगो है, एयर इंडिया का, और इसके अंदर एक लीफ के अंदर पूरे मंथ का इसने कैलेंडर इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य कैलेंडर के बारे में सीधा सीधा आप स्टूडेंटों से ये है कि कैलेंडर कैंपेन प्लानिंग के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, साथ में उस विज्ञापन को भी टारगेट करता है जिस विज्ञापन के आप पूर्ण यूजर्स हैं। इसलिए कैलेंडर की
बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी विज्ञापन की दुनिया में।